गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एच यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास बच्चों। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्किन, और प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्किन की ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है, और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाए। फिर क्लस्टिंग रिएक्शन थी, स्वाट रिएक्शन थी, हुस्टिका रिएक्शन थी बच्चों, फ्रॉम एल्कोहल के साथ में थी, फ्रॉम एमीन के साथ में थी हमारे पास में बच्चों, और फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हमने रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों। सारी की सारी रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, डार्जन रिएक्शन हमारे पास में दी गई थी। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी? तो बच्चों, सबसे पहले जो आता है हमारे पास में वो आती है फिजिकल स्टेट। हेलो एल्केन जो होंगे उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? जितने भी हेलो एल्केन होते हैं बच्चों हमारे पास में, ऑल हेलो एल्केन जो होते हैं कलरलेस होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा बच्चों, हम बोल सकते हैं ऑल हेलो एल्केन आर कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। कि हमारे पास में जितने भी हेलो एल्केन होते हैं बच्चों, वो सारे सारे कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, हमारे पास में यहाँ पर जो ब्रोमीन और आयोडीन होंगे बच्चों, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड, ये कलर को शो करते हैं। ये क्या करेंगे? शो कलर, ये शो कलर। ये आपके पास में कलर क्या करेंगे बच्चों? शो करेंगे व्हेन दे एक्सपोज, या फिर बोले व्हेन दे रिएक्ट विद लाइट, when they expose या फिर react with light, react with light। जब ये light के contact में आएंगे तो ये आपके पास में क्या करेंगे बच्चों? color को show करेंगे। ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास में फिजिकल स्टेट की बात करें तो R1 Br Cl व I, और R2 Cl Br व I। ये आपके पास में एक तो आएगा मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, या फिर आएगा इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये जो होते हैं एट रूम टेम्परेचर, हम किस बात करें? एट रूम टेम्परेचर पर बच्चों, ये कैसे होते हैं? गैस स्टेट में होते हैं, गैस होते हैं। बाकी जो आपके पास में बच गए हाइजर, वो सारे सारे क्या होंगे? सॉलिड एंड लिक्विड। क्या होंगे? सॉलिड एंड लिक्विड। हाइजर हेलो एल्केन जो भी होंगे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनेंगे, वो सारे सारे बच्चे बाकी जो क्या होंगे आपके पास में? सॉलिड हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे आपके पास में? लिक्विड हो जाएंगे बच्चों। ये तो बात होगी बच्चों इसकी फिजिकल स्टेट की। ये किसकी बात होगी? इसके फिजिकल स्टेट की बात होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन की डेंसिटी क्या होगी बच्चों। तो सेकेंड जो टॉपिक हमारे पास में वो क्या है? डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी क्या होगी हेलो एल्केन की? डेंसिटी क्या होगी आपके पास में? तो सीधा सीधा सा है बच्चों कि हमारे पास में जो डेंसिटी जो होती है बच्चों डी, वो हमारे पास में वेट के डायरेक्टली, या बोले मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली, या फिर बोले साइज की क्या होती है डायरेक्टली, या फिर बोले ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के बच्चों क्या होती है? डायरेक्टली होती है। आइसोमेरिक जो ब्रांचिंग होती है आपके पास में, क्योंकि बच्चों आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में ब्रांचिंग है, साइंस है, मोलिकुलर वेट है। क्योंकि हमें पता है डेंसिटी जो होती है आपके पास में एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर आएगी हाइड्रोकार्बन, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड हो जाएगा आपके पास में, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? हाइड्रोकार्बन। इसकी डेंसिटी इससे क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। एल्किल हैलाइड की डेंसिटी ग्रेटर दैन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपके पास में एल्किल हैलाइड जो होगा, एल्किल हैलाइड के पास में डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन पाई जाती है बच्चों। और साथ के साथ में यहाँ पर वोंडर वाल बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा बच्चों। कैसा होगा वोंडर वाल? कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास में। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड की डेंसिटी होगी वो आपके पास में हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटर रिएक्शन पाया जाता है। साथ के साथ में यहाँ पर वोंडर वाल आपके पास वोंडर वाल बॉन्ड कैसा होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके पास में
देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो दिया गया है आपके पास में एल्किल फ्लोराइड व एल्किल क्लोराइड, ये लाइटर देन वाटर, ये आपके पास में कैसे होते हैं लाइटर देन वाटर, बट ये वाटर से कैसे होते हैं आपके पास में लाइटर होते हैं बच्चों, बट एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड ये हैवियर देन वाटर, ये वाटर से कैसे होते हैं हैवियर देन होते हैं आपके पास में बच्चों। एल्किल फ्लोराइड व एल्किल क्लोराइड जो होंगे बच्चों ये तो लाइटर देन वाटर, बट एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड हैवियर देन वाटर होंगे बच्चों आपके पास में। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की कि जो न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे बच्चों। देखिएगा आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपके पास में एक एग्जाम्पल है बच्चों कि ये जो R दिया हुआ है आपको एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है बच्चों फिक्स दिया हुआ है R1 और यहाँ पर दिया है फ्लोरीन, R1 क्लोरीन, R1 ब्रोमीन और R1 आयोडीन बच्चों ये दिया गया है आपको बोला, और दिया आपके पास बोला जा रहा है कि फॉलोइंग एल्किल हैलाइड अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है बच्चों अरेंज करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ यहाँ पर दिया गया आपके पास में, देखिएगा डेंसिटी जो होती है वो वेट की क्या होती है बच्चों डायरेक्टली होती है, या हम क्या बोले मॉलिक्यूलर वेट की क्या होती है डायरेक्टली होती है, या फिर क्या बोले साइज की क्या होती है डायरेक्टली होती है, फिर क्या बोले ब्रांचिंग की क्या होती है डायरेक्टली होती है, क्योंकि यहाँ पर बोन रोल बोन क्या होगा स्ट्रॉन्गर देन। अब यहाँ पर आपके पास में एल्काइल ग्रुप तो बच्चों फिक्स है, कितना कार्बन दिया हुआ है एक ही कार्बन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक ही, एक ही कार्बन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपके पास में चेंज क्या हो रहा है हैलोजन एटम चेंज हो रहा है बच्चों फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन, तो आप ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हो यहाँ लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे तो यहाँ पर इनका जो साइज होगा फ्लोरीन क्लोरीन व ब्रोमीन का साइज जो होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा बच्चों, तो इनका जो वेट होगा वो वेट भी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों आपके पास में ये आ जाएगा। अब इस सवाल को मान लो चेंज कर दे, आ जाए हमारे पास में यहाँ पर आ जाए आर वन एफ, फिर आ जाए आर टू एफ, फिर आ जाए आर थ्री एफ और आ जाए आर फोर एफ, इट मीन्स जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों वो आपके पास में चेंज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन जो है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, लेकिन आपके पास में हैलोजन आइटम क्या है सेम है, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है बच्चों, अब बताओ एक कार्बन फिर दो फिर तीन फिर चार, क्या मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा पास में ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो वेट के डायरेक्टली मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली साइज के डायरेक्टली ब्रांचिंग के डायरेक्टली, अगर बोले बॉन्ड बोल बॉन्ड बोल जो बंद बॉन्ड होता है उसकी क्या होती है बच्चों डायरेक्टली होती है। अगला जो हमारे पास में यहाँ पर जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा बॉइलिंग पॉइंट बीपी, कौन सा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट बीपी, थर्ड जो टॉपिक हमारे पास में दिया बच्चों वो है बॉइलिंग बीपी बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपके पास में यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बीपी जो होगा ये मोलिकुलर वेट के तो होगा बच्चों डायरेक्टली, बट ब्रांचिंग जिसको हम बोले साइड चेन ब्रांचिंग या फिर इसको बोले साइड चेन ये क्या होगा इनवर्सली होगा बच्चों, ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली होगा लेकिन आपके पास ब्रांचिंग या फिर बोले साइड चेन के क्या होगा इनवर्सली हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है आर वन एफ आर वन सी एल आर वन बी आर और आर वन आई, अब बच्चों बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मोलिकुलर वेट क्या होता है डायरेक्टली होता है बच्चों, आर तो आपके पास में क्या है सेम है मतलब कार्बन तो एक एक है, तो सवाल इसके अकॉर्डिंग तो सोल्व नहीं होगा, किसके पास जाएंगे हैलोजन एटम के पास में जाएंगे बच्चों, हैलोजन एटम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अप टू डाउन जब आप आओगे क्या इनका वेट बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा भाई, साइज बढ़ेगा तो वेट क्या होगा इनका बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपके पास में बच्चों बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास में आ रहा है कि सर अगर मान लो हमारे पास में हैलोजन एटम तो फिक्स हो जाए लेकिन कार्बन एटम चेंज हो जाए एक दो तीन चार,
तो हमारे पास में मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट हमारे पास में एल्काइल ग्रुप तो सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन आइटम क्या हो जाए बच्चों हमारे पास में, इंक्रीज हो जाए। उस टाइम हम क्या करेंगे, हमारे पास में एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर दिया है बच्चों CH3Cl, फिर आएगा CH2Cl, Cl और Cl, फिर बोल दे CH Cl Cl और Cl, और नंबर चार आ जाए CCl4। अब आपसे बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखोगी देखते, देखो कार्बन तो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा है आपके पास में, बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हैलोजन एक, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं दो, यहाँ पर कितने हैं तीन, यहाँ पर कितने हैं चार। तो बच्चों नंबर ऑफ हैलोजन एटम अगर आपके पास में इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि मोलिकुलर वेट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सवाल कैसे भी दे दे आपको तो एक चीज याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों मोलिकुलर वेट का क्या होता है, डायरेक्टली, और साइड चेन क्या होता है, इन्वर्सली। ये तो मोलिकुलर वेट से सवाल हो गया, लेकिन अब बात करें साइड चेन की। साइड चेन का मतलब क्या होगा बच्चों, आपके पास में, आपके पास में पांच कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लग रहा है Br, ठीक है। हाइड्रोजन आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर आएगा CH2। अब आपसे बोला गया 1 2 3 4, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर बच्चों Br आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, 1 2 3, ये CH3, ये CH3, और ये CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास में Br। अब बोल रहा है आपके पास में बताओ इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों देखो ना, यहाँ पर मेन कार्बन चेन ले लो, 11th क्लास में हमने सीखा था नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो इसकी नंबरिंग क्लास करोगे 1 2 3 4 5, तो मेन कार्बन चेन कितने की होगी, पांच कार्बन की, और यहाँ पर मेन कार्बन चेन कितने की है, चार कार्बन की, और यहाँ पर कितने की बच्चों, तीन कार्बन की। तो अब देखते हैं, इसको रख लो यहाँ पर, इसको कवर करो, आपको साइड में कितनी चैन दिख रही है, देखो इसको कवर करते हैं तो साइड में कितनी चैन दिख रही है, एक, यहाँ पर कितनी साइड में चैन दिख रही है, एक, एक, दो। तो आपके पास में साइड चैन ब्रांचिंग क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। और अगर साइड चैन या ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बीपी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आंसर आपके पास में क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की, किसकी बात करते हैं, सोलिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, सोलिबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन। हमारे पास में जो फोर्थ टॉपिक है वो है सोलिबिलिटी। बच्चों सोलिबिलिटी का मतलब ये है कि आप हेलो एल्केन को वाटर में डाल रहे हो, पानी में डिजोल्व कर रहे हो, अगर इसको पानी में डिजोल्व करोगे तो ये डिजोल्व होगा या फिर नहीं होगा, सीधी सी बात ये है। अब बताओ ये डिजोल्व होगा या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे सर ये डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में हेलो एल्केन जो होते हैं बच्चों वो पोलर नेचर के होते हैं, और ड्यू टू पोलर नेचर दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपके पास में पोलर नेचर होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाएंगे बच्चों, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो सोलिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोलिबिलिटी जो होती है वो बच्चों मोलिकुलर वेट की तो क्या होगी, इनवर्सली, बट साइड चेन की क्या होगी, डायरेक्टली, ठीक है। ये जो होती है सोलिबिलिटी, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट के बच्चों, किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। और हमें बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन जो होते हैं पोलर नेचर के होते हैं, और ड्यू टू पोलर नेचर दे डू नॉट फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो इनकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पर एक सवाल करने को मिले, एक एग्जाम्पल दे दें कि बताओ इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी या फिर इसकी ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है RF, RCl, RBr व RI। अब बोला जा रहा है एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड में से सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी होगी, या सोलिबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करें। अब देखते हैं बच्चों, इधर देखो आपके पास में यहाँ पर जो कार्बन है वो तो क्या है, फिक्स है, कितना कितना दिया हुआ है, एक एक दिया बच्चों, लेकिन हैलोजन एटम फिक्स है क्या, नहीं है। हैलोजन एटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन, और हम फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ जाते हैं बच्चों, तो मोलिकुलर वेट जो इसका वेट जो होगा हमारे पास में, साइज जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। और हमें पता है अगर एम डब्ल्यू मोलिकुलर वेट अगर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। तो आंसर क्या जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसका जो वेट होगा सबसे कम होगा आपके पास में, उससे ज्यादा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सा इसकी समरी बना लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। देखो फिजिकल स्टेट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे बात करें डेंसिटी की। किसकी बात करें, डेंसिटी की। तो डेंसिटी जो डायरेक्टली होती है मोलिकुलर वेट के, फिर हम बोले साइज के, या फिर हम बोल सकते हैं साइड चेन के, ब्रांचिंग जिसको बोल दे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर बॉन्ड वॉल बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा बच्चों। पहला पॉइंट हमें ये याद करना है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है बीपी। तो बॉलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली होता है, लेकिन साइड चेन के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। एक हमें ये याद करना है। और थर्ड जो हमारे पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी बच्चों मोलिकुलर वेट की क्या होती है, इन्वर्सली, और साइड चेन की क्या होती है, डायरेक्टली। हम ये बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी जो होती है बॉलिंग पॉइंट की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।